एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल इंडियन पर। दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले आपसे करता हूँ एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप नहीं ली है तो आप इस ज्वाइन की बटन पर क्लिक करके हमारे YouTube चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हो। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे प्रीमियम मेंबरशिप ले लेते हो तो यहाँ पे आपको WhatsApp सपोर्ट, एनी डेस्क सपोर्ट, ऑन कॉल सपोर्ट और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको हमारी जो प्रीमियम वीडियोज हैं उन सारी चीज़ों पर एक्सेस मिल जाता है। तो दोस्तों, आप हमारी प्रीमियम मेंबरशिप यहाँ ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके ले सकते हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको CSC के माध्यम से SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा टू व्हीलर का थर्ड पार्टी पॉलिसी करना है तो आप कैसे करेंगे और पॉलिसी करने में कितना टाइम लगता है और क्या प्रोसेस है, इस वीडियो में हम यहाँ पर जानेंगे। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने एक गाड़ी नंबर लिख रखा है, इसी गाड़ी का पॉलिसी हम आपको यहाँ पर बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको आ जाना है अपने CSC के डिजिटल सेवा पोर्टल पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि डिजिटल सेवा पोर्टल यहाँ पर लॉग इन है। अब यहाँ पे आपको इंश्योरेंस के टैब पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंश्योरेंस के टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो इंश्योरेंस के वेरियस प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको नीचे स्लाइड करना है। नीचे आप स्लाइड करोगे तो यहाँ पे आपको मोटर थर्ड पार्टी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मोटर थर्ड पार्टी पे आपको क्लिक कर देना है। मोटर थर्ड पार्टी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। जब आप सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको SBI जनरल इंश्योरेंस का मोटर थर्ड पार्टी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक हियर पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपके सामने SBI का पोर्टल खुल करके आ चुका है। अब यहाँ पे आपको लॉग इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉग इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, जो आपकी SBI जनरल इंश्योरेंस की ID है वो यहाँ पर खुल करके आ जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि SBI जनरल इंश्योरेंस का जो पोर्टल है वो यहाँ पर खुल चुका है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड, पॉलिसी सर्च, प्रोडक्ट, डॉक्यूमेंट, सर्विसेज और ब्रेकिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोडक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो SBI जनरल इंश्योरेंस के वेरियस प्रोडक्ट हैं वो आपको देखने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, दूसरे नंबर पे आपको दिखेगा टू व्हीलर इंश्योरेंस TP। TP का सिंपल सा मतलब है थर्ड पार्टी। तो अगर आपको टू व्हीलर का थर्ड पार्टी पॉलिसी करना है तो यहाँ पे आप बाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है टेकिंग टू व्हीलर पॉलिसी फॉर इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट। इंडिविजुअल का मतलब अगर किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर गाड़ी होती है तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट करते हैं। अगर किसी कंपनी, फर्म या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के नाम पे होती है तो हम कॉर्पोरेट सिलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि किसी पर्सन के नाम पे गाड़ी है तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा टेल अस अबाउट योर पॉलिसी डिटेल। यहाँ पर रोल ओवर और लैप्स पॉलिसी का ऑप्शन है। रोल ओवर का सिंपल सा मतलब होता है अगर आपकी गाड़ी की पॉलिसी अभी एक्सपायर नहीं हुई है, यानी जो आपका पिछला बीमा है वो अगर अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है तो आप रोल ओवर सिलेक्ट करते हैं। अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है, यानी आपका जो पिछला बीमा है वो एक्सपायर हो चुका है, तो आपको लैप्स पॉलिसी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको फेस डिटेल पे क्लिक कर देना है। फेस डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पर गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। आप एक बार RC से इसको मिलान कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपके सामने थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवरेज का जो ऑप्शन है कुछ इस टाइप का खुल करके आ जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि 752 रुपये की जो थर्ड पार्टी डैमेज है वो 752 का है और PA ओनर कवर जो है वो 375 का है और GST वगैरह सारा चीज़ जोड़ के यहाँ पर 1330 रुपये का आपका टोटल प्रीमियम पड़ेगा। इस प्रीमियम में आपका PA कवर यानी ड्राइवर का 1,500,000 का कवर और थर्ड पार्टी यानी तीसरे पर्सन यानी आपकी गाड़ी से सामने वाले का जो डैमेज होना है वो इंक्लूड रहता है, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे आप ड्राइवर का क्लेम हटाना चाहते हो, यानी जो 1,500,000 का ड्राइवर का PA कवर है अगर उसे आप हटाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे टिक हटा देना है। जैसे ही आप यहाँ टिक हटाएंगे, उसके बाद ओके करेंगे और रिकैलकुलेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये जो आपकी पॉलिसी है वो यहाँ पर सस्ती हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अब यहाँ पर PA कवर हट चुका है, यानी जो ड्राइवर का 1,500,000 का कवर है वो यहाँ पर हट चुका है। अब केवल थर्ड पार्टी का यहाँ पर क्लेम बनेगा, यानी आपकी गाड़ी से सामने वाले का जो भी डैमेज होगा उसे बीमा कंपनी वहन करेगी, बाकी इसमें ड्राइवर का और गाड़ी का कोई भी क्लेम नहीं होगा। तो अब यहाँ पे ये आपको 887 का पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर
आप कस्टमर की चॉइस के हिसाब से पॉलिसी बना सकते हो। अगर कस्टमर को 15 लाख का पीए कवर चाहिए तो फिर यहाँ पे आप टिक लगा के उसका पॉलिसी करेंगे। अगर कस्टमर को 15 लाख का पीए कवर नहीं चाहिए, उसको सस्ती पॉलिसी चाहिए, तो आप पीए कवर हटा करके उसका इंश्योरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि मुझे यहाँ पर 15 लाख का पीए कवर भी चाहिए और गाड़ी से थर्ड पार्टी का जो डैमेज होना है उसका भी कवर मुझे मिले। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पीए कवर पे टिक लगा देता हूँ और रिकैलकुलेट पे क्लिक कर देता हूँ। रिकैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये जो पॉलिसी का प्रीमियम है अब यहाँ पर फिर से 1330 दिखाने लगा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब हमारे सामने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर और चेसिस नंबर ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। अब यहाँ पे हमें कुछ फिल नहीं करना है, हमें सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमसे चेसिस नंबर के जो लास्ट 5 डिजिट है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर चेसिस नंबर के जो लास्ट 5 डिजिट है वो गाड़ी की आरसी से देख करके बिल्कुल सही सही यहाँ पर फिल कर देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो 66 नंबर है लास्ट 5 डिजिट, यहाँ पे हमको गाड़ी की आरसी से देख करके सही सही फिल कर देना है। ठीक है, हम फिल करके जब यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल एक बार वेरीफाई हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, इससे जो आपकी गाड़ी की वेरीफिकेशन है यानी जो इंजन नंबर चेसिस नंबर है वो एक तरीके से दोबारा वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको देखो यस ही रखना है, इसको आपको नो नहीं करना है, क्योंकि इसमें ये जो यस का ऑप्शन है इसमें ये पूछा जा रहा है कि आपके पास एक वैलिड पीयूसी, पीयूसी का मतलब आपकी गाड़ी का प्रदूषण बना हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको यस ही रखना है, इसको आपको नो नहीं करना है, फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे कस्टमर का डिटेल पूछ रहा है। सबसे ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा टेकन टू व्हीलर लोन, यानी अगर आपकी गाड़ी लोन पर ली गई है तब आप इसको यस करोगे, अगर आपकी गाड़ी कैश है यानी विदाउट लोन खरीदी गई है तो यहाँ पे आप इसको नो रखेंगे। ठीक है, क्या होता है, कुछ गाड़ियाँ जो फाइनेंस पे होती हैं, अगर कोई गाड़ी फाइनेंस पर ली गई होगी तो आप यहाँ पे यस करोगे और यहाँ पर बैंक और ब्रांच का नाम फिल कर दोगे, और अगर गाड़ी फाइनेंस पे नहीं है तो सिंपली आपको नो रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमर का पूरा नाम फिल करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी भी फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस आप फिल करेंगे, जैसा कि उसके गाड़ी के आरसी पे दिया होगा उसी तरीके से यहाँ पे आप एड्रेस फिल करिएगा। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एरिया पिन कोड फिल कर देना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर एरिया पिन कोड फिल कर देता हूँ। यहाँ पर पैन नंबर जरूरी नहीं है, अगर है तो फिर आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको नॉमिनी का डिटेल डालना है, नॉमिनी का डिटेल यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको नॉमिनी का डिटेल यहाँ पर आपने फिल कर दिया, फिर यहाँ पे रिलेशनशिप डाल देना है कि नॉमिनी का गाड़ी के मालिक से क्या रिलेशन है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपके सामने जो टोटल प्रीमियम है वो यहाँ पर खुल करके आ चुका है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1330 रुपए का यहाँ पर टोटल प्रीमियम बन रहा है, जिसमें 203 रुपए का जीएसटी है और 1127 रुपए का ग्रॉस प्रीमियम है, यानी टोटल प्रीमियम 1127 और 203 रुपए का जीएसटी, टोटल आपको पे करना है 1330 रुपए। ठीक है, एक बार यहाँ से आप व्हीकल का डिटेल भी मैच कर सकते हैं और यहाँ पर मेंबर का डिटेल यानी जो जिसका आप पॉलिसी बना रहे हो उसका डिटेल भी यहाँ पर आप मिलान कर सकते हैं। फिर सिंपली आपको क्या करना है, आपको मेक पेमेंट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना पासवर्ड डालना है सीएससी आईडी का और फिर यहाँ पर वॉलेट पिन डाल करके पॉलिसी इशू कर लेनी है और फिर आप सिंपली कस्टमर को वो पॉलिसी प्रिंट करके दे सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी पूरी प्रोसेस कि अगर आपको टू व्हीलर का थर्ड पार्टी पॉलिसी SBI जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, और इसकी जो पूरी प्रोसेस थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।